स्नैप्स की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल। तो सबसे पहले मैं 3 कटोरी दाल लूंगी। इसको मैं अच्छे से धो के फिर 20 मिनट के लिए भिगो के रखूंगी। तो पहले मैं धो लेती हूँ इसको। मैं दाल को भिगो के रखी थी 20 मिनट तक। अब मैं इसको कुकर में डालूंगी। कुकर में मैं 3 सीटी मारूंगी। जो दाल मैं भिगो के रखी थी वही पानी में डाल रही हूँ। साफ पानी है ये। मैं 4 कटोरी पानी डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए मेरा दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। गर्म पानी डालना, ठंडा पानी नहीं। ये ज्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी 1/2 चम्मच। 1 तेजपत्ता डालूंगी 1/2 चम्मच। 1 चुटकी हींग। अब मैं लहसुन डालूंगी सबसे पहले। लहसुन को थोड़ा हल्का फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं प्याज डालूंगी। ये प्याज मेरा थोड़ा ब्राउन हो गया। अब मैं 1 इंच अदरक ग्रेट कर लिया है, उसको भी अच्छे से मैं फ्राई करूंगी जब तक मैं इसका स्मेल चला जाए। 4-5 हरी मिर्ची मैं काट कर लिया, उसको भी डाल रही हूँ। 2 टमाटर काटी हूँ बारीक, इसको भी डाल दूंगी। आधी चम्मच हल्दी डालूंगी। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। नमक स्वाद अनुसार देना है, क्योंकि मैंने पहले भी दाल में डाली थी। अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूं। ये देखिए मेरे तड़का के लिए सारे मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। ये देखिए मेरे दाल में अब उबाल आ गया है। अब मैं इसको और थोड़े देर उबालूंगी, क्योंकि मैंने बाद में पानी डाला था, इसलिए इसको थोड़ा सा और उबालूंगी। ये मेरा दाल बनके अब तैयार हो गया। अब मैं इससे बटर से तड़का लगाऊंगी।
इसमें मैं 3 लाल मिर्ची डालूंगी। आधी चुटकी हींग डालूंगी। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी। ये देखिए मेरा मिक्स दाल बनके तैयार हो गए। आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करना और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।